हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है। आज हम लोग बनाने वाले हैं मसाला ओट्स। तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ कि कुछ चॉप्स ऑनियन ले लिया हूँ, वन सिंगल ऑनियन इतने क्वांटिटी में आप देख पा रहे हैं, वन टोमेटो, कुछ चिलीज, एक चिलीज ही लिया है, और वन कप ओट्स और कुछ मसाले। ये आपकी हल्दी पाउडर है, ये जीरा पाउडर है, और ये आपका चिली पाउडर है। साथ में एक और मसाले की ज़रूरत है, वो बहुत ही टेस्टी हो जाएगा वो मसाले ओट्स, वो है मैगी मसाला। ये आपको मैगी के पैकेट में मिल जाएंगे, तो मैं इसको भी यूटिलाइज करके अब बनाऊंगा। ऑनियंस है, उसको फ्राई करने के लिए डाल दीजिए, और चिलीज जो है वो डाल दीजिए, करते रहिए। ये आपको अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये थोड़ा सिमर जाए। अब जो टोमेटोज है उसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, साथ में जो मसाले हैं उसको ऐड कर दीजिए, और इसको अच्छे से, जो मैगी मसाले हैं वो आप लास्ट पे दीजिए, तो वो उसको टेस्ट को और इनहेंस करेगा। अब ये फ्लेम आपका लो रहेगा, थोड़ा पानी के साथ अब आस्ते आस्ते इसको पकाइए। फिर आप इस पे सॉल्ट इतने क्वांटिटी पे ऐड कर दीजिए, नमक से वो ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट इस पे जो जो आपकी बची हुई पानी है वन कप, वो आप पूरा ऐड कर, और इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इसको पकाते रहिए। ये पैकेट बड़ा है, इस पर पूरी मसाला नहीं चाहिए, आप इसके 1/4 क्वांटिटी ऑफ दिस पैकेट आप दे सकते हैं, ठीक है। बस अच्छे से इसको पकाते रहिए, पकाते रहिए, ये 10 मिनट इसको आप ऐसे पकाते रहिए, फिर आपका बन के तैयार हो जाएगा ओट्स। अब इसको सर्व करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेस्टी टेस्टी मसाले ओट्स बन के आपका रेडी हो चुका है। अब इसको टेस्टिंग करते हैं, आप भी बनाइए और मुझे फीडबैक दीजिए।